स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 11, दो अकिंचन बालक वृंदावन में। मुकुंद, जब पिताजी तुमको उत्तराधिकार से वंचित कर देंगे तभी तुम ठीक रास्ते पर आओगे। किस मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ खो रहे हो? ज्येष्ठ भ्राता का उपदेश मेरे कानों पर आक्रमण कर रहा था। जितेंद्र और मैं ताजे ताजे रेलगाड़ी से उतरकर अनंत के घर पर पहुंचे, जो हाल ही में कलकत्ता से स्थानांतरित होकर इस आगरे के प्राचीन नगर में आए थे। वे सरकारी लोक निर्माण विभाग के एक सुपरवाइजर अकाउंटेंट थे। अनंतदा, आपको भली भांति मालूम है कि मैं केवल परमपिता के पास से ही अपने उत्तराधिकार को पालने के लिए यत्नशील हूं। पैसा पहले और ईश्वर बाद में, कौन जानता है, जीवन अत्यंत लंबा भी हो सकता है। ईश्वर पहले, लक्ष्मी तो उनके अधीन है, कौन बता सकता है, जीवन अत्यंत छोटा भी तो हो सकता है। मेरे ये उद्गार केवल प्रासंगिक थे और इसका मुझे कोई पूर्व ज्ञान नहीं था। मालूम पड़ता है कि आश्रम से बहुत कुछ ज्ञान सीखकर लौटे हो, परंतु मैं देख रहा हूं कि तुमने बनारस छोड़ दिया है। अनंतदा की आंखों में संतोष का भाव था। उन्हें अब भी यह आशा थी कि वे मुझे सांसारिक बंधनों में बांध सकेंगे। मेरा अल्पकाल के लिए बनारस में ठहरना व्यर्थ नहीं गया। जिसके लिए मेरा हृदय अति इच्छुक था उसे मैंने वहीं पा लिया। पर आप निश्चिंत रहिए, वह ना तो आपके पंडित थे और ना ही उनके पुत्र। अनंत भी मेरी स्मरण दिलाने वाली हंसी में मेरे साथ शामिल हुए। उन्होंने यह स्वीकार करना पड़ा कि बनारस के जिस अंतरदर्शी को उन्होंने नियत कर रखा था वे अल्पदर्शी सिद्ध हुए। मेरे भटकते भाई, यह तो बताओ कि अब तुम्हारी योजनाएं क्या हैं? जितेंद्र मुझे आगरा खींच लाए हैं, हम यहाँ ताजमहल की सुंदरता देखेंगे, मैंने कहा। उसके बाद अपने नव उपलब्ध गुरु के पास जा रहे हैं जिनका आश्रम श्री रामपुर में है। अनंतदा ने हमारी सुख सुविधा की समुचित व्यवस्था की। संध्या के समय मैंने कई बार उनको चिंतित आंखों से अपनी ओर निहारते देखा। मैं इस दृष्टि को खूब पहचानता हूँ, मैंने सोचा, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रातःकाल जलपान के समय उनकी योजना का रहस्य उद्घाटन हो गया। तब तो तुम अपने आप को पिताजी की संपत्ति से पूर्ण स्वतंत्र समझते हो। अनंत की टकटकी निष्कपट थी। जैसे ही उन्होंने कल की बातचीत का सूत्र पकड़ा, मैं तो एकमेव ईश्वर पर ही भरोसा रखता हूं। बातें कहना तो सरल है, अब तक तुम्हारा जीवन भली प्रकार कट गया है। यदि तुम्हें भोजन और आश्रय के लिए उसी ईश्वर के अदृश्य हाथों पर अवलंबित रहना पड़ता तब तुम्हारी क्या दशा होती? शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते फिरते। कदापि नहीं, ईश्वर को छोड़कर मैं कभी भी पथिकों पर निर्भर नहीं रहता। ईश्वर अपने भक्तों के लिए भिक्षा पात्र के अतिरिक्त अन्य हजारों उपाय निकाल सकते हैं। और अधिक वाग विलास, अनुमान करो, यदि मैं यह प्रस्ताव करूं कि तुम्हारे वृद्धाभिमानी तत्व ज्ञान की इस आकार संसार में परीक्षा ली जाए तो? मुझे स्वीकार है। क्या आप यह समझते हैं कि ईश्वर केवल काल्पनिक संसार तक ही सीमित है? देख लेंगे। आज ही तुमको मेरे विचारों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने का या उनकी पुष्टि करने का अवसर मिलेगा। अनंत नाटकीय रीति से एक क्षण के लिए रुके, फिर धीरे तथा गंभीरता पूर्वक बोले,
मैं प्रस्ताव करता हूँ कि तुम और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र आज प्रातःकाल इन शर्तों पर निकट के शहर वृंदावन जाओ। तुम्हें अपने साथ एक भी पैसा नहीं लेना होगा। तुम्हें किसी से भोजन या पैसे की याचना नहीं करनी होगी। तुम्हें अपनी दुर्दशा को किसी पर प्रकट नहीं करना होगा। तुम्हें बिना खाना खाए नहीं रहना होगा और तुम्हें वृंदावन में असहाय नहीं रहना होगा। इन सब शर्तों को बिना तोड़े यदि तुम आज रात के 12 बजे तक मेरे बंगले पर लौट आओगे तो आगरा में मुझसे अधिक चकित दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैं चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मेरे शब्दों तथा हृदय में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। दैवी सद्यः कृपा की कृतज्ञता पूर्ण स्मृतियां सहसा प्रदीप्त हो उठी। लाहिड़ी महाशय के चित्र के सामने प्रार्थना करने पर सांघातिक हैजे से मेरी रक्षा, लाहौर में छत पर अद्भुत लीला के द्वारा मुझे 2 पतंगों का उपहार, बरेली में घोर निराशा के बीच आशा का संदेश वहन करने वाले कवच की प्राप्ति, बनारस में पंडित जी के घर के बाहर साधु के द्वारा निर्णायक संदेश, जगन माता का आविर्भाव और उनकी दिव्य प्रेम वाणी, मेरी तुच्छ घबराहट के समय मास्टर महाशय के माध्यम से जगत जननी का त्वरित उत्तर, आवश्यक समय पर मेरी हाई स्कूल परीक्षा में सफलता के लिए मार्गदर्शन और सबसे बड़ा वरदान मेरे जीवन व्यापी सपनों के बीच से जीवन सद्गुरु की प्राप्ति। मैं यह मानने के लिए कदापि तैयार नहीं कि मेरा तत्वज्ञान इस संसार की कठोर संग्राम भूमि पर किसी भी युद्ध का सामना न कर सके। तुम्हारी यह अनुकूलता प्रशंसनीय है। मैं तुरंत तुमको ट्रेन तक पहुंचा आता हूं, अनंत ने कहा। वह आश्चर्यचकित जितेंद्र की तरफ मुड़े। तुम्हें इसके साथ जाना होगा, एक गवाह के रूप में और बहुत संभव है एक सहयोगी बनकर जाने का। आधे घंटे के बाद जितेंद्र और मुझको एक तरफ की लघु यात्रा का टिकट दे दिया गया। स्टेशन के एक निर्जन भाग में हमें अपनी तलाशी भी देनी पड़ी। अनंत को तुरंत संतोष हो गया कि हम अपने साथ कोई निधि छिपाकर नहीं ले जा रहे हैं। हमने अपनी सादी धोतियों में छिपाकर कुछ भी नहीं रखा था। जैसा ही विश्वास ने अर्थ के गंभीर क्षेत्र में आक्रमण किया, मेरे मित्र ने विरोध पूर्वक कहा, अनंत, आप सुरक्षा की दृष्टि से मुझे 2-1 रुपये दे दें, तब मैं किसी संकट के समय आपको तार दे सकूंगा। जितेंद्र, मेरा उद्गार कठोरता पूर्वक निंदात्मक था। यदि तुम अंतिम सुरक्षा के लिए कुछ भी रुपया पैसा अपने पास रखोगे तो मैं इस परीक्षा यात्रा पर नहीं जाऊंगा। रुपए की झंझनाहट में एक अपूर्व आश्वासक शक्ति है। मेरी कठोरता देखकर जितेंद्र इससे अधिक नहीं बोल सका। मुकुंद, मैं दया रहित नहीं हूं, अनंत के कंठ स्वर में तनिक कोमलता का आभास था। संभव है कि या तो 2 निसंबल बालकों को एक अपरिचित शहर में भेजने के कारण या कदाचित स्वयं धर्म में श्रद्धा न होने के कारण उनकी अंतः चेतना उन्हें कचोट रही हो। यदि किसी सुयोग या भगवान की दया से तुम वृंदावन की परीक्षा में सफल हो गए तो मैं कहूंगा कि मुझे अपना शिष्य बना लो। इस असामान्य प्रसंग पर उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा में एक असंगति थी। भारतीय परिवार में ज्येष्ठ भ्राता छोटे भाइयों के समक्ष सिर नहीं नवाता। वस्तुतः पिता के बाद बड़ा भाई ही सम्मान और आज्ञाकारिता प्राप्त करता है, परंतु मुझे समालोचना का अवसर नहीं मिला क्योंकि ट्रेन के छूटने का समय हो गया था।
जैसे जैसे गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी, जितेंद्र कारुणिक मौन में रहा। अंत में वह मेरे ऊपर झुका और कोमल स्थान पर मुझे जोर से एक चिकोटी काटकर व्यथा पहुंचाते हुए बोला, मुझे कोई संकेत दिखाई नहीं देता कि भगवान हमारे आगामी भोजन की आपूर्ति करेंगे। अरे संशय आत्मा, चुपचाप बैठो, भगवान हमारे साथ में ही हैं। क्या तुम कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हो जिससे भगवान जरा जल्दी करें? केवल अपनी अगली दशा के बारे में सोचकर मैं पहले से ही अधमरा हुआ जा रहा हूँ। मैं काशी से चला था ताजमहल देखने के लिए, ना कि स्वयं कब्र में कूदने के लिए। ढांढस रखो जितेंद्र, क्या आज हम पुण्यभूमि वृंदावन के चमत्कारी दृश्यों का पहली बार दर्शन करने नहीं जा रहे हैं? इस कल्पना मात्र से कि भगवान श्री कृष्ण की पदरज से पवित्र भूमि पर चलने का सौभाग्य मिलेगा, मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। इतने में हमारे डिब्बे का दरवाजा खुला और दो व्यक्ति आकर बैठ गए। अगले ही स्टेशन पर हमें उतरना था। युवकों, क्या वृंदावन में कोई तुम्हारा जान पहचान का है? मेरे सामने बैठा अपरिचित व्यक्ति हमें आश्चर्यजनक रुचि ले रहा था। आपका इससे प्रयोजन? यह कहते हुए मैंने अपनी दृष्टि दूसरी ओर फेर ली। शायद तुम लोग चोर की वंशी की देर के आकर्षण से अपना परिवार छोड़कर भागे जा रहे हो। मैं स्वयं भक्ति भावना रखता हूँ, इसलिए यह मेरा परम कर्तव्य हो गया है कि इस असह्य गर्मी में तुम्हारे आश्रय और भोजन की व्यवस्था करूं। नहीं महाशय, हम लोगों को अकेले ही छोड़ दें। आप बड़े दयालु हैं, किंतु आपने यह सोचने में भूल की है कि हम लोग घर से बाहर जा रहे हैं। इसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। गाड़ी खड़ी हो गई। जितेंद्र और मैं प्लेटफॉर्म पर उतरे ही थे कि हमारे दोनों सहपात्रियों ने हम दोनों का हाथ पकड़ लिया और एक घोड़ा गाड़ी को बुलवाया। घोड़ा गाड़ी एक सुविन्यसत मैदान के चिरहरित वृक्षों के बीच में स्थित एक भव्य विशाल आश्रम के सामने आकर खड़ी हो गई, जहां पर हम लोग उतर गए। हमारे उपकारी सज्जन द्वय यहाँ भली भांति सुपरिचित थे। एक मुस्कुराता हुआ लड़का चुपचाप हमें एक प्रशस्त बैठक खाने में ले गया। शीघ्र ही वहां एक सौम्य दर्शना प्रौढ़ महिला भी आ पहुंची। गौरी माँ, राजकुमार नहीं आ सके, उनमें से एक ने आश्रम की आतिथ्य कारिणी से कहा। अंतिम क्षण में उनका कार्यक्रम बदल गया, इसके लिए उन लोगों ने खेद व्यक्त किया है, किंतु हम अन्य दो अतिथियों को लेकर आए हैं। ट्रेन में भेंट होते ही मैं इनकी ओर खींच गया, क्योंकि ये कृष्ण भक्त प्रतीत हुए। हमारे परिचित सज्जनों ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, युवक मित्रों नमस्कार, हरि की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे। तुम लोगों का यहाँ स्वागत है, गौरी माँ ममतामयी हंसी में बोली। तुम्हारे आगमन के लिए संभवतः आज से बढ़िया दिन दूसरा नहीं होता। इस आश्रम के प्रतिपालक दो राजकुमारों के पधारने की आशा थी। कितनी लज्जा की बात होती यदि मेरी बनाई रसोई को सराहने वाला कोई न मिलता। इन मधुर शब्दों का जितेंद्र पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उसके नेत्रों से आंसू झरने लगे। जिस आकांक्षा के लिए वह वृंदावन में डर रहा था, वह राजोचित स्वागत में बदल गया। उसके लिए मानसिक संतुलन बनाए रखना कठिन हो रहा था। गौरी माँ ने उसकी ओर उत्सुक दृष्टि से देखा।
पर कुछ कहा नहीं। शायद वे किशोर अवस्था की चपल वृत्तियों से सुपरिचित थी। भोजन के लिए चलने का संदेश आ पहुंचा। गौरी माँ हमें एक भोजन खंड में लिवा ले गई, जो नाना व्यंजनों की सुगंध से परिपूर्ण था। वह स्वयं पास के रसोई घर में अदृश्य हो गई। मैं इस क्षण के लिए पहले से ही ध्यान लगाए था। जितेंद्र के शरीर के एक उपयुक्त अंग को चुनकर मैंने उसको उतनी ही जोर से चिकोटी काटी, जितनी जोर से पहले उसने मुझे गाड़ी में काटी थी। संशयात्मा, भगवान सारी व्यवस्था करता है और शीघ्रता से भी। गौरी माँ हाथ में एक पंखा लिए वहां पुनः आ पहुंची। जब हम लोग कंबल के आसन पर बैठ गए, तब भारतीय पद्धति के अनुसार वे हमें धीरे धीरे पंखा झलने लगी। आश्रम के शिष्यगण लगभग 30 व्यंजनों के साथ इधर से उधर आ जा रहे थे। साधारण भोजन की अपेक्षा इसे बहुमूल्य आहार की संज्ञा दी जा सकती है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद से अब तक अब कभी भी जितेंद्र और मैंने इतने स्वादिष्ट व्यंजन नहीं चखे थे। पूज्य माता जी, सचमुच यह भोजन राजाओं के उपयुक्त है। मैं नहीं समझ पाता कि आपके राज अतिथियों को इस भोजन का रसास्वादन कराने में से भी बढ़कर और कौन सा आवश्यक कार्य आ पड़ा। आज का यह भोजन हमें जन्म भर याद रहेगा। अनंतदा की शर्त के कारण हमारा मुख बंद था, अतः हम लोग उस उदार और करुणामयी महिला से यह नहीं कह सके कि हमारे धन्यवाद का दोहरा महत्व है। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि कृतज्ञता के वे शब्द हृदय से निकले थे। हम लोगों ने उनका आशीर्वाद और आश्रम में पुनः आने का निमंत्रण ग्रहण कर वहां से प्रस्थान किया। बाहर दारुण धूप थी। जितेंद्र और मैं दोनों ने आश्रम के फाटक पर स्थित कदंब के विशाल वृक्ष के नीचे शरण ली। फिर तीव्र शब्द बाण छूटे। जितेंद्र ने एक बार फिर शंका व्यक्त की, तुमने आज मुझे भारी संकट में डाल रखा है। हमें आज का यह भोजन अचानक भाग्यवश मिल गया है। पास में एक पैसा भी न होते हुए हम लोग अब इस शहर का दृश्यावलोकन कैसे कर सकेंगे? और तुम मुझे अनंतदा के निवास स्थान पर वापस कैसे ले चलोगे? तुम्हारा पेट भर गया है ना, इसलिए तुम जल्द ही भगवान को भूल गए हो। मेरे उत्तर में कटुता तो नहीं थी, पर आरोप अवश्य था। ईश्वर की कृपा को लोग कितना शीघ्र भूल जाते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई ना कोई प्रार्थना स्वीकार न हुई हो। तुम्हारे जैसे पागल के साथ यात्रा करने का दुस्साहस करके मैंने जो मूर्खता की है ना, उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। जितेंद्र, शांत रहो। जिस ईश्वर ने आज भोजन कराया है, वही हमें वृंदावन भी दिखाएगा और आगरा भी पहुंचा देगा। इतने में एक क्षीण काय प्रिय दर्शन युवक हमारी ओर तेजी से आता दिखाई पड़ा। उसी कदंब वृक्ष के नीचे रुककर उसने मेरे सामने शीश झुकाया। प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ के लिए नए व्यक्ति हैं। मुझे आपका आतिथ्य करने और पथ प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। साधारणतः कोई भारतीय हक बकाता नहीं दिखाई देता, परंतु जितेंद्र का मुंह सहसा हक्का भक्का पड़ गया। मैंने प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। आप निश्चय ही क्या मेरा निषेध कर रहे हैं? उस अपरिचित व्यक्ति की व्याकुलता
यदि कोई दूसरे अवसर पर होती तो हंसी आ जाती। क्यों नहीं, आप मेरे गुरु हैं। उसकी आंखों ने विश्वास पूर्वक मेरी आंखों में देखा। दोपहर के ध्यान के समय भगवान श्री कृष्ण ने आविर्भूत होकर मुझे इस वृक्ष के नीचे दो त्यक्त आकृतियां दिखाई। एक चेहरा आपका था मेरे गुरुदेव, इसको मैंने प्रायः ही ध्यान में देखा है। यदि आप मेरी नम्र सेवाओं को स्वीकार कर सकें तो मुझे अपार आनंद होगा। मुझे भी खुशी है कि तुमने मुझे खोज लिया है। ना तो ईश्वर ने और ना मनुष्य ने ही हमारा परित्याग किया है। यद्यपि मैं अपने सामने खड़े उत्सुक चेहरे को देखते और मुस्कुराते हुए निश्चय खड़ा था, तथापि एक आंतरिक प्रणाम ने मुझे भगवान के चरणों में नवा दिया। प्रिय मित्रगण, क्या आप पधारकर मेरे घर का सम्मान नहीं बढ़ाएंगे? तुम दयालु हो, किंतु वैसा करना असंभव है। पहले से ही हम आगरा में मेरे भाई के अतिथि हैं। अच्छा, कम से कम मुझे अपने साथ वृंदावन भ्रमण की स्मृति प्रदान करते जाइए। मैंने खुशी के साथ स्वीकृति दे दी। युवक ने, जिसने कहा कि उसका नाम प्रताप चटर्जी है, एक घोड़ा गाड़ी बुलवाई। हम लोगों ने मदन मोहन मंदिर एवं श्री कृष्ण के अन्य लीला स्थलों के दर्शन किए। मंदिरों के दर्शन करते करते रात हो आई। मुझे क्षमा कीजिए, मैं कुछ संदेश लाता हूँ। प्रताप ने स्टेशन के निकट एक दुकान में प्रवेश किया। जितेंद्र और मैं विस्तृत सड़क पर, जो उस समय कुछ ठंड के कारण भीड़ से भरी हुई थी, ठहलने लगे। हमारा मित्र कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहा और फिर कई प्रकार की मिठाइयों का उपहार लेकर लौटा। कृपया इतना पुण्य संचय तो करने दें, प्रताप ने अनुरोध पूर्ण हंसी हंसते हुए रुपयों के नोटों का एक बंडल और आगरा के लिए ताजे खरीदे गए दो रेलगाड़ी के टिकट हमारे सामने बढ़ा दिए। मेरी स्वीकृति की श्रद्धा भगवान के अदृश्य हाथों के लिए थी। अनंत द्वारा उपहासित होने पर भी क्या भगवान की उदारता हमारी आवश्यकताओं से कहीं बढ़कर न थी? स्टेशन के पास हमने एक एकांत स्थान खोज लिया। प्रताप आधुनिक युग के महानतम योगी लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग में मैं आज तुमको दीक्षित करूंगा। उनकी साधना प्रणाली ही तुम्हारी गुरु होगी। दीक्षा आधे घंटे में समाप्त हो गई। क्रिया ही तुम्हारे लिए चिंतामणि है, मैंने अपने नए शिष्य से कहा। जैसा कि तुमने अभी देखा है, इसकी प्रविधि अत्यंत सरल है और इसके द्वारा मनुष्य के आध्यात्मिक विकास को द्रुत गति मिल जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों का कथन है कि देहबद्ध आत्मा के माया मुक्त होने में 10 लाख वर्ष लग जाते हैं, किंतु क्रिया योग के द्वारा इस स्वाभाविक कालावधि को बहुत घटाया जा सकता है। श्री जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध करके दिखा दिया कि पौधे की वृद्धि की गति उसकी स्वाभाविक गति की अपेक्षा काफी अधिक बढ़ाई जा सकती है। वैसे ही वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा मनुष्य की मनोवैज्ञानिक उन्नति को भी द्रुत गति प्रदान की जा सकती है। निष्ठापूर्वक साधना करो, तुम गुरुओं के गुरु के पास निश्चय ही पहुंच जाओगे। लंबे समय की खोज के बाद मैं इस प्रणाली को पाकर बहुत आनंदित हुआ हूँ। प्रताप ने गंभीर होकर कहा, यह प्रक्रिया मुझे इंद्रिय बंधनों से मुक्त कर उच्च स्तर पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगी। आज
श्री कृष्ण भगवान का जो दर्शन प्राप्त हुआ है वह मेरे लिए परम मंगलमय भविष्य का द्योतक है। कुछ समय तक हम मौन विचार वग्न बैठे रहे, तद अनंतर धीरे धीरे स्टेशन की ओर चल पड़े। जब मैं ट्रेन पर सवार हुआ तब मेरा हृदय अपूर्व आनंद से भरा हुआ था, परंतु जितेंद्र के लिए तो यह आंसुओं का ही दिन था। प्रताप से सस्नेह विदा होते समय मेरे दोनों साथियों के कंठ रुद्ध हो उठे थे। यह यात्रा एक बार फिर जितेंद्र के दुख का कारण हो गई, इस बार उसके अपने लिए नहीं वरन अपने विरुद्ध। मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय पत्थर हो गया है। भविष्य में अब कभी मैं ईश्वर के रक्षण के विषय में अविश्वास नहीं करूंगा। आधी रात होने वाली थी। दो अकिंचन बालक जिन्हें बिना पैसा कोड़ी के भेजा गया था लौट कर पुनः अनंत के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुए। ठीक जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उनका विस्मित चेहरा अध्ययन का विषय बन गया था। मैंने चुपचाप एक मेज पर रुपयों के नोटों की वर्षा की। देखो जितेंद्र, सच सच बताओ, अनंत के स्वर में मजाक का पुट था, इस लड़के ने कहीं डाका बाका तो नहीं डाला है? किंतु जैसे जैसे यात्रा की कहानी खुलती गई मेरे भाई शांत होकर फिर गंभीर हो गए। मांग और पूर्ति का सिद्धांत मेरी कल्पना से कहीं ऊपर सूक्ष्मता के राज्य में पहुंचता है। अनंत एक ऐसे आध्यात्मिक उत्साह के साथ बोले जो पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। रुपया पैसा एवं तुच्छ सांसारिक धनंजय से तुम्हारी उदासीनता का कारण आज मैं पहली बार समझ पाया हूँ। रात बहुत बीत गई थी तो भी अनंत ने उसी समय क्रिया योग की दीक्षा देने का मुझसे आग्रह किया। गुरु, मुकुंद को एक ही रात में दो अयाचित शिष्यों को दीक्षा देने की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। दूसरे दिन प्रातःकाल का जलपान एक ऐसे मधुर और आनंदमय वातावरण में संपन्न हुआ जिसका पहला दिन नितांत अभाव था। मैंने जितेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम ताज देखने से वंचित नहीं रहोगे, चलो श्रीरामपुर के लिए प्रस्थान करने के पूर्व उसे देख आएं। अनंत से विदा लेकर शीघ्र ही हम दोनों आगरा के गौरव ताज महल के सामने पहुंचे। सूर्य के किरणों में चमकता हुआ यह शुभ्र संगमरमर पूर्णतः सुडौल रूप में खड़ा है। सरों के काले वृक्ष, छांटी गई घास वाला मखमली मैदान और प्रशांत जलाशय, यह था उसका संपूर्ण बाह्य परिवेश। जालीदार फीते के समान उत्कीर्ण मूल्यवान पत्थरों से जड़ित भीतरी भाग ललित है। कोमल मालाएं और कुंडलियां भूरे तथा बैंगनी संगमरमर से गहनता पूर्वक उभर रहे हैं। गुंबद से आने वाला स्निग्ध प्रकाश शाहजहां और उसके राज्य तथा हृदय की रानी मुमताज महल के स्मारक पर पड़ता है। अब दृश्यावलोकन बहुत हो चुका। मैं अपने गुरु दर्शन के लिए व्यग्र था। शीघ्र ही जितेंद्र और मैंने ट्रेन में सवार होकर दक्षिण दिशा में बंगाल की ओर प्रस्थान कर दिया। जितेंद्र ने मुझसे कहा, मुकुंद, मैंने कई महीनों से अपने परिवार को नहीं देखा है। अब मैंने अपना कार्यक्रम बदल दिया है। संभव हुआ तो मैं बाद में श्रीरामपुर आकर तुम्हारे गुरुदेव का दर्शन करूंगा। मेरे मित्र ने
जिसे नरम भाषा में अस्थिर चित्त कह सकते हैं, कलकत्ता में मेरा साथ छोड़ दिया। मैं एक लोकल ट्रेन पकड़कर तुरंत श्रीरामपुर पहुंच गया, जो कलकत्ते से 12 मील उत्तर में पड़ता है। मैंने हिसाब लगाकर देखा तो काशी में गुरुदेव के प्रथम दर्शन को 28 दिन बीत चुके थे। तुम मेरे पास 4 सप्ताह में आ जाओगे। शांत राय घाट लेन पर उनके घर के बाहर के आंगन में धड़कता दिल लिए मैं खड़ा था। आज पहली बार मैंने उस आश्रम में प्रवेश किया था जहां मुझे भारत के ज्ञान अवतार के सानिध्य में अगले 10 वर्षों के सर्वोत्तम अंश व्यतीत करने थे। इति परिच्छेद 11 समाप्त।